us on WhatsApp. First 2 years. तो मैं आज मैं अपना वाइट्स दे रहा हूँ INN 24 में. Hi, this is Janet Zubair Rehmani. Keep watching INN 24. Hi guys, this is Riaz Ali and guys keep watching INN 24 News. नमस्कार, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं INN 24 न्यूज़. सोशल मीडिया पे वर्क करना कौन नहीं चाहता. आज ये हो रहा है, पढ़ाई कम हो रही है लेकिन सोशल मीडिया पे ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है. उसका रीज़न है टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, यानी उमूमन 24 घंटे में से 22 घंटे अगर सोए तो ठीक है, नहीं तो टोटली ही सोशल मीडिया पर हम बिज़ी हैं. जो पास में हैं वो दूर हैं, जो दूर हैं वो पास में है. चैटिंग के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की. और प्लेटफॉर्म आज ऐसा बन चुका है, अगर आप कोई चीज़ वायरल कर रहे हैं तो सीधे वो बॉलीवुड टच करता है या फिर पॉलिटिक्स टच करता है. और मैं इसी तरीके से मेरे साथ मौजूद है सना सुल्तान खान. सना, INN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है. शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी. 2 साल पहले आपने जर्नी स्टार्ट किया सोशल मीडिया के माध्यम से और आज सना को कौन नहीं जानता. अल्हम्दुलिल्लाह जी. यस, 2 साल पहले स्टार्ट की थी मैंने अपनी जर्नी. तब मेरे कुछ 30,000 तक फॉलोअर्स थे एंड मेरे सारे फ्रेंड्स कहते थे कि इतने सारे फॉलोअर्स थे, 30,000 हैं, आप क्यों ये कर रही हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं. तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की और माशाल्लाह से ब्लॉगिंग करते करते डब स्मैश बनाते बनाते टिकटॉक ये वो माशाल्लाह आज मैं ऑलमोस्ट 8 लाख फॉलोअर्स पे हूँ. टिकटॉक में आप आ गए. टिकटॉक मैंने जिक्र किया तो गलत नहीं किया ना. हाँ, कुछ हद तक आना ही पड़ा. उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने 3 सॉन्ग भी किया हुआ है अभी रिसेंटली, एक फिर अभी आपने किया अशर अनीस खान के साथ में, और आगे भी क्या फ्यूचर में आपके प्लान हैं. यस, सो म्यूज़िक एल्बम्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रही है. एक 3 सॉन्ग्स की है बेसिकली, एक टी सीरीज़ के साथ, एक जो अशर के साथ है. उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत मेस्मराइजिंग है और मैं चाहूँगी कि अब सब देखो. मत देखिए. अच्छा, हाँ, उसको मत देखिए. देखिए उसको. किसको देखने या नहीं देखना. अच्छा, प्लीज देखे, जाए जाके देखे, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत जल्दी रिलीज होगा और बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग है. लवी डवी सॉन्ग है, लोकेशन, सिनेमाटोग्राफी बहुत ज्यादा प्यारी है. और एज आई एम यू नो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इज माई ऑन टॉप नॉच राइट नाउ, तो वहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्रमोट होगा. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप मोबाइल पे चैटिंग पे लगे हुए हैं या टिकटॉक है या फिर एनीवे, अब मम्मी पापा का आवाज़ आया, ए बंद कर दो, पढ़ाई पे ध्यान दो. ये रोज आता है सर, कभी की बात कर रहे हैं आप. ऐसा एक दिन नहीं गुजरता जब मेरी अम्मी बोलती है सना मोबाइल रखो, ये जैसे दुनिया है आपकी. बट हकीकत है, वी आर सो इसमें घुस चुके हैं हम. देखो, हर चीज़ का एक अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं. सिमिलरली सोशल मीडिया की अगर बून है तो बेन भी है, एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी. एडवांटेजेस ये है कि आज मैं जो भी हूँ सोशल मीडिया की वजह से हूँ, आज लोग मुझे जानते हैं, मेरा वेरीफाइड अकाउंट है और इतने लैक्स ऑफ पीपल मुझे फॉलो करते हैं, लाजमी है वो सोशल मीडिया की वजह से. कॉन्स ये है कि पर्सनल चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता. जैसे कि हम कहते हैं कि हम सेल्फी लेने में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट हो गए कि फैमिली फ़ोटो कोई नहीं लेना चाहता. सो ये हकीकत, फैमिली फ़ोटो कोई लेना नहीं चाहता. सोशल मीडिया यूज़ करिए, ठीक है, बट जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आज की मीडिया के ऊपर से भी भरोसा उठ चुका है और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ज़मीनी हकीकत पता चलती है. और कहीं ना कहीं ये बात सही है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दिखाया जाता है वो सच भी होता है और कुछ चीज़ें कंटेंट ऐसे होते हैं, कंटेंट कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है. तो किस तरीके से इसको और आप बताएंगे, सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना चाहिए अपने फैंस को या क्या मैसेज देना चाहेंगे. सी ऑनेस्टली, मेरा
काम सोशल मीडिया पे तो मुझे रहना ही पड़ता है क्योंकि ब्रांड्स मुझे अप्रोच करते हैं कि मुझे ये पोस्ट करना है ये स्टोरी बिकॉज आई एम पेड फॉर इट, इट्स माय ब्रेड एंड बटर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, तो आई एम पेड फॉर बीइंग ऑन सोशल मीडिया, पोस्टिंग फॉर ब्रांड्स, प्रमोटिंग देम, फॉर प्रमोटिंग मूवीज. जैसे अभी लास्ट मैंने श्रद्धा कपूर और सुशांत की एक मूवी आई थी, वो मैंने प्रमोट की, छिचोरे. तो वी आर जस्ट पेड फॉर इट, वहाँ पे जाना होता है, उनके साथ वीडियोस बनाने होते हैं या ब्रांड्स को प्रमोट करना, तो मेरी रोजी रोटी है. बट यानी कहने का मतलब मीडिया और अखबार की लाइन जो है वो अब बिल्कुल पीछे छोड़ने वाले हैं आप लोग. ऑनेस्टली सर ये हो रहा है, सोशल मीडिया इज आउट देयर, बूम से हम सबको पता है कि सोशल मीडिया इज आउट देयर, सोशल मीडिया स्टार्स आजकल डिमांड में और हम ये डिनाई नहीं कर सकते हैं, इट्स आउट देयर. एंड एक वक्त था, मैं सीरियसली आपको बताती हूँ, मेरा भाई मेरे खानदान में लोग बोलते थे आप क्या करती हो, मैं कहती थी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, सोशल मीडिया स्टार बोलते मेरे फ्रेंड्स मुझे, तो वो मुझे कहते थे वो सब तो ठीक है पर आप करती क्या हो. आई वाज लाइक आई एम ऑन सोशल मीडिया, व्हाट डू यू मीन मैं क्या करती हूँ, उनको नहीं समझ में आता. बट आज जब आज से ये 2 साल पहले की बात है, अब जब 2 साल हो गया, एक लीप ले लिया है, अब सब बोलते हैं कि मान गए, अब लोग देखते हैं कि माशाल्लाह से मुझे इतनी जगह बुलाते हैं एज चीफ गेस्ट एंड आई एम कॉल टू प्रमोट ब्रांड्स मूवीज, माशाल्लाह आई एम डूइंग म्यूजिक एल्बम, तब उनको समझ में आ रहा है कि मैं जहाँ से उठी वो सोशल मीडिया, वो नहीं होता तो मैं किधर नहीं होती. सुने अभी आपने, 2 साल से समझाते समझाते आखिरकार सना सुल्तान खान ने समझा ही दिया अपने फैंस को और अपने घर वालों को कि सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया की क्या ताकत है. बहुत है, बहुत ज़्यादा. मूवीज़ बड़ी बड़ी बन रही हैं डेली, रिलीज़ पे रिलीज़, ट्रेलर लॉन्च, ये लॉन्च, वो लॉन्च, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं टिकटॉक स्टार्स को बुलाया जाता है, उसका प्रमोशन किया जाता है. और सेकंड जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया है, करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? सर एक्चुअली अभी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं मुझे पूछते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पे 8 लाख फॉलोअर्स ऑलमोस्ट होने को आए, ये कैसे हुआ, हमको भी करना है. जब मैं थी ना कंपटीशन बहुत कम था, बट कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन था ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसको आगे जाना है. आई ऑलवेज हैड दैट डीप इंट्यूशन कि आज से 2 साल बाद आज ही तो कल इसका डिमांड उठेगा. तो अब जब स्टार्ट करेंगे, मैं ये नहीं बोल सकती कि डिफिकल्ट है, बट जब मैंने स्टार्ट किया था कंपटीशन बहुत कम था क्योंकि किसी को इतना कंपटीशन ज़्यादा है. अगर टिकटॉक की बात किया जाए, जन्नत की बात किया जाए, या फेसबुक 07 टीम की बात किया जाए, या रियाज अली की बात किया जाए, टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका जिस तरीके से कहा जाता है भाई सोशल मीडिया यूज करो, सीधे टिकटॉक में जाओ, टिकटॉक पे जाओ, क्योंकि टिकटॉक को बाहर भी टूर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इनकम हो रही है, जनरेट हो रही है, ये सब किस तरीके से बताना चाहेंगे? क्या वाकई पे इनकम होती है या फिर बाहर टिकटॉक के माध्यम से आप लोग को बाहर भी भेजा जाता है? सो टिकटॉक तो उसके ज़रिए भी एट टाइम्स काफ़ी काम मिला है, बट मेनली इंस्टाग्राम जो है आई एम पेड टू प्रमोट, तो मेरा 40 से 50 हज़ार होता है एक पोस्ट का, जो कम से कम प्राइस बोल रही हूँ मैं, एक पोस्ट करने का. और मैं मंथ में 20 से 25 पोस्ट करती हूँ अलग अलग ब्रांड्स के लिए, सो माशाल्लाह इट्स बिन गोइंग वेरी वेल. सेकेंड, जिस तरीके से अभी बिग बॉस एक प्लेटफॉर्म है, हाँ, बिग बॉस में जो आया यानी अगर वहाँ से निकलने के बाद उसको कोई सीरियल्स में उठा लिया जाता है जी, या फिर उसको कोई मूवी पे ले लिया जाता है, इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है अभी, जैसे टिकटॉक हाउस नाम रखा जा रहा था उसका house. उसका टॉकर हाउस नाम अभी किया हुआ है, महमूद जी का है वो, right. तो उसमें भी आप नॉमिनेट हुई हैं, तो क्या है उसके बारे में बताएं? तो टॉकर हाउस एक बहुत ही दिलचस्प शो होने वाला है. सबसे पहले तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में होगा, जिसका नाम डॉन सिनेमा है, जो उनका प्रोडक्शन हाउस है महमूद जी का. और इट्स मोर और लेस लाइक बिग बॉस रियलिटी शो, पर यहाँ पर ये है कि ये सोशल मीडिया स्टार्स के साथ होगा. और हम सबको पता है कि लोग सोशल मीडिया जितने भी स्टार्स हैं उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, एंड दे आर ट्रीटेड लाइक सेलेब्स नाउ, रादर मोर देन दैट आज के टाइम पे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा, तो आई थिंक इसका क्रेज़ और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि बिग बॉस तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है, बट मोबाइल आपके हाथ में 2400 घंटा होता है, यू हैव एक्सेस टू इट थ्रू आउट. अच्छा, मोबाइल की बात, लेकिन कभी ऐसा हुआ है पिछले 2 साल से जब आप सोशल मीडिया पर, 2 साल मोबाइल कभी ऑफ हुआ हो या फिर पानी में गिर गया या ऑफ हो गया या गुम गया, तो ऐसा लगा कि भाई कब बनेगा या कब आएगा? अच्छा मैं बताती हूँ, ये बहुत फनी स्टोरी है. मेरा बहुत नुकसान हुआ है सर, क्योंकि मेरी आदत है स्टोरी. नुकसान हुआ, एक स्टोरी में 40 हज़ार रुपये मिल रहे हैं आपको, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन ये सर स्टार्ट की बात है, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था. ऑटो में मैं स्टोरी बना रही थी. बीइंग इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको एक्टिव होना पड़ता है, सबसे पहले जिनको सोशल मीडिया आगे बढ़ना है एक्टिव होना बहुत लाजमी है. डेली पोस्ट करो, लाइव जाओ, स्टोरीज बनाओ, टिप्स खैर बाद में दूंगी, बट ये सारी चीज़ें आप करें. तो जब मैं ऑटो में जा रही थी, मैं स्टोरी बना रही थी, आया चोर, मेरे हाथ से मोबाइल लिया और भाग गया, डेटा गया. ऑनेस्टली इट वॉज नॉट अबाउट मोबाइल, वो तो ठीक है अटैचमेंट होता है, बट मेरे डेटा, मेरे कॉन्टैक्ट सब उड़ गए, और मेरी अम्मी और मेरा भाई और बनाओ
और बनाओ स्टोरीज, बड़ा शौक है आपको। केक तो कट गया होगा और ये दो मर्तबा हुआ है घर में, तो केक कट गया होगा फिर खुशी के मामले। केक क्या बोलूं सर, अम्मी वाज लाइक वेरी अनॉयड, बट अब उनको भी दिख रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी बेटी आगे बढ़ रही है, सो नाउ दे सपोर्ट मी, दे आर वेरी हैप्पी द वे आई एम गोइंग, माशाल्लाह। जन्नत जुबैर और इजाज खान होस्ट करने वाले हैं जी, right. क्या लग रहा है जिस तरीके से इजाज खान को वहाँ लिया गया है? इजाज खान सोशल मीडिया तो छोड़िए, पूरे ऑल ओवर कंट्री पे बिल्कुल आज बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो अपनी बातों को लेकर के एक नंबर, अच्छा एक नंबर, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई थिंक एजाज की एक अपनी ऑडियंस है, उनके एक अपने फॉलोअर्स है, और जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ वो जब भी आते धमाल मचाते हैं। अगर बिग बॉस में विदाउट अ डाउट सर, आप एक बात सोचे, एक लॉजिकल बात सोचे, अगर टीवी पे इतनी कॉन्ट्रोवर्सी होती है, ये तो ऐप है सर जी, ऐप पे क्या क्या होगा आप सोचे, टीवी पे द सेंसर ये वो, बट दिस इज एन ऐप, यू नेवर नो हाउ इट गोज, बट आई एम वेरी एक्साइटेड, आई वाज स्कैर्ड ऑल्सो बट थोड़ा सा, बट एक्साइटेड टू। कंट्रोवर्सी बिल्कुल देखने को मिलेगी, कहने का मतलब बिग बॉस को जिस तरीके से आप देखते हैं घड़ी लगा कर के अब स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी कहीं ना कहीं टीवी पे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म दिया गया होगा कि भाई आप मैसेज करिए हमें देखिए, हाँ। सना सुल्तान खान इतने बजे आने वाले हैं, आप देखिए घड़ी लगा के, हाँ। ऐसा कुछ है अभी तक? टाइम तो पता नहीं है, लेकिन मेरी प्रमोशनल कुछ स्ट्रैटेजीज है जो मैं अंदर जाने से पहले करके जाऊंगी, बट इतना है कि घर में जाऊंगी, आई विल बी माय सेल्फ, आई वोंट बी फेक, दैट्स गोना बी माय रूल। सेकंड, मोबाइल भी अलाउ किया गया है वहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ टास्क होंगे जहाँ पे मोबाइल की जरूरत होगी, और हमें उसको टास्क के वजह से हमें मोबाइल यूज करना ही पड़ेगा, बट थ्रू आउट अवेलेबल नहीं होगा, जब टास्क होगा तभी मोबाइल दिया जाएगा और फिर हमसे ले लिया जाएगा। मोबाइल दिया जाएगा और ले लिया भी जाएगा, मोबाइल भी आप अगर यूज करते हैं ना, पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उसके बाद सोशल मीडिया पे आइए। बिल्कुल सना, सोशल मीडिया की बात चल रही है, सोशल मीडिया की अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से हिमेश और सलमान का नाम आता है, सबसे पहले रानू मंडल एक स्टेशन पे गाना गाती हैं, गुनगुनाती हैं, कहीं ना कहीं वो पीड़ित होती हैं अपनी लाइफ से, ज़िंदगी से, और गाना गाती हैं, एक मोबाइल पर शूट कर लिया जाता है, वायरल हो जाता है। अब उनका ही एग्जाम्पल देख लें, आई थिंक सोशल मीडिया रानू मंडल के लिए एक मैजिक की तरह आई गेस उनकी लाइफ में आया है, बिकॉज अगर वो नहीं होता तो उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती तो हम इतने अच्छे टैलेंट से बाकायदा दूर होते, तो रानू मंडल तो एक जीता जाता अभी का रिसेंट वाला एग्जाम्पल है वायरल होने का, और उनकी माशाल्लाह से लाइफ बदल गई है उसके बाद, तो ये किस वजह से हुआ है? अगेन एन एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया ऑफ गेटिंग वायरल, टैलेंट उभर के आता है, दिख के आता है, तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली वो बेचारी किधर ऑडिशन देने तो जाएंगी नहीं, कैसे मिलेगा, बट सोशल मीडिया पे किसी ने डाला एंड देयर शी इज टुडे डूइंग सो गुड। तो सना, फिर उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं जो बोल रहे हैं कि रानू मंडल जैसे चेहरों को आपने उठा कर ला लिया, जबरदस्ती का नाम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये हाँ जी सर, उनके लिए बहुत बुरा लगता है कि वो इस तरीके से सोचते हैं सर, टैलेंट की कोई शक्ल नहीं होती सर, ठीक है, तो ये जो ऐसे बोलते हैं, फिर रियली सॉरी फॉर देम, क्योंकि उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा घटिया है, इफ़ सॉरी इफ़ आई कैन यूज़ दैट वर्ड, बट है। और रानू मंडल उनकी आवाज़ मैंने सुनी जो तेरी मेरी कहानी, उन्हें इट्स सो मैजिकल एंड मेस्मराइजिंग, ओ माय गॉड, आई डोंट थिंक मैंने इतने टाइम इतनी यूनिक और अलग आवाज़ सुनी है, तो जो ऐसे बोलते हैं सॉरी बट यू हैव गॉट अ बैड टेस्ट, दैट्स व्हाट आई कैन से, आई थिंक शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ मेस्मराइजिंग, एंड आई एज एन ऑडियंस आई वॉन्ट टू लिसन टू हर मोर एंड मोर। 110 ऐसा ना, चलते चलते जिस तरीके से हमने सॉन्ग की बात किया, एल्बम की बात किया, तो INN24 न्यूज़ के दर्शकों को आपके कुछ दो लाइन गुनगुनाएंगे। सो वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम राजी मूवी व्हिच गोज लाइक, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार तेरे से दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो। या सॉरी इफ आई ऑफेंडेड समवन, बट उंगली पकड़कर मॉम ने तो सिखा दिया, मैं दो लाइन और जोड़ देता हूँ, जोड़ा। लेकिन उसके बाद में जब उंगली पकड़ के इन्होंने सिखाया सोशल मीडिया के बारे में, तो माँ ने भी कहा जा बेटा जी लो अपनी जिंदगी, सोशल मीडिया पे नाम कर लो। मेरी अम्मी बहुत खुश हुई थी, मैंने ईद पे एक वीडियो डाला था टिकटॉक पर, बहुत वायरल हुआ था, तो अम्मी को उनके कस्टमर्स, मेरी मॉम का खुद का ब्यूटी पार्लर है, उनके कस्टमर्स उनको आके पूछते अरे आपका वीडियो देखा टिकटॉक की आपकी बेटी के साथ, मेरी मॉम मुझे एकदम प्राउडली आके बोली पता है लोग मेरा वीडियो देखे मुझे आके बोल रहे थे, शी वाज वेरी हैप्पी। आपको बोला था मैंने तो डाली थी? हाँ मैंने बोला, तब से अम्मी जब कुछ बोलती पूरा टाइम मोबाइल पर उनको याद दिलाती अम्मी आप वायरल हुई थी ना, भूल गई। चलिए कैमरामैन राहुल के साथ INN24 न्यूज़ सलीम रहमान मुंबई। शुक्रिया।
हाय, मैं हूं तापसी बन्नू और आप देख रहे हैं INN24। हेलो, मैं हूं विकी कौशल एंड प्लीज कीप वॉचिंग INN24।